हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने ये एक यूनिक आर्टवर्क का स्केच बनाना शुरू किया है और मैं चाहती थी कि मैं आपसे इसका प्रोसेस शेयर कर सकूं। सो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसा स्केच आपने कभी देखा है, कि ये जो मैं बना रही हूँ वो एक यूनिक आर्टवर्क है। सो इस स्केच को बनाने के लिए मैं चारकोल की सॉफ्ट मीडियम पेंसिल और 2B और 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और नीडेबल इरेजर का यूज़ कर रही हूँ। अभी तक आपने देखा कि मैंने हेयर में शेडिंग कर ली है, तो उसमें शेडिंग करने के लिए मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ब्रश की हेल्प से। और अब हेयर में स्ट्रोक्स लगाने के लिए मैं चारकोल की सॉफ्ट मीडियम पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और आप देखते रहिए कि मैं किस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। तो मैं ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रोक लगा रही हूँ। वैसे आप सबने तो ऐसी हेयर कटिंग देखी होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कौन सी हेयर कटिंग है। चलिए, जब तक मैं हेयर बना रही हूँ, हेयर में शेड कर रही हूँ, तब तक आप ये गाना सुन। नाउ मैंने राइट साइड के हेयर ड्रॉ कर लिए हैं और उसको ड्रॉ करने के बाद अब मुझे उसमें ब्लेंडिंग करनी है, तो मैं ब्रश की हेल्प से उसमें अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने लेफ्ट साइड के हेयर ड्रॉ करना शुरू कर दिया है, तो उसको भी मैं वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगा रही हूँ उसमें। तो आप भी देखिए कि मैं किस तरीके से स्ट्रोक्स लगा रही हूँ और उसको भी मैं बाद में ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी। अब हमारे हेयर हो गए हैं कंप्लीट। आपको ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे इसमें और ज़्यादा अभी डार्क शेड देना है, इसलिए मैं इसमें चारकोल की पेंसिल से दोबारा से कुछ कुछ जगह पे स्ट्रोक्स लगा रही हूँ डार्क करने के लिए, और फिर उसके बाद हमारे हेयर हो जाएंगे कंप्लीट। तो अब हम आईब्रोज में शेड कर रहे हैं, तो उसमें आईब्रो में शेड करने के लिए मैं चारकोल की सॉफ्ट मीडियम पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैंने उसे अच्छे से ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया। अब जो आई के ऊपर ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को भी शेड करने के लिए मैं चारकोल की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। फिर जो आई बॉल है उस पर भी मैंने डार्क शेड करने के लिए चारकोल की सॉफ्ट मीडियम पेंसिल का यूज़ किया है, और उसके बाद मैं जो आई के आउटर एरिया है उस पर भी मैं चारकोल की वही पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद भी मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब आई के नीचे मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं चारकोल की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ लाइन्स ड्रॉ करने के लिए, और फिर उसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। और कुछ जगह मुझे थोड़ा सा हाईलाइट देना था, तो मैंने वहाँ पे नीडेबल इरेजर का यूज़ किया और उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया बाद में। अब आते हैं नोज़ के साइड, तो नोज़ के साइड भी मुझे बहुत ज़्यादा डार्क शेड देना है फ़ोटो के अकॉर्डिंग। फ़ोटो में भी बहुत ज़्यादा डार्क शेड है, इसलिए मेरे को भी उधर नोज़ पे डार्क शेड देना है, तो मैं वहाँ पे चारकोल की सॉफ्ट मीडियम पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आप देखते रहिए।
ये जो फेस के लेफ्ट साइड में आपको एक लाइन ड्रॉ दिख रही है उस पर मुझे ज़्यादा डार्क शेड देना है, तो मैं वहाँ पे क्या कर रही हूँ, चारकोल की जो पेंसिल है वो यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली चारकोल की पेंसिल हम यूज़ इसीलिए करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा डार्क शेड देना होता है, तभी हम चारकोल की पेंसिल यूज़ करते हैं। फिर अब जो आपको फेस में लाइन्स ड्रॉ दिख रही हैं ढेर बहुत सारी, इसको मैंने इरेज कर लिया है ताकि अच्छा लगे उस पर जो भी हम शेड करें। तो अब यहाँ पे फेस पे जो भी जहाँ भी मैं डार्क शेड दे रही हूँ इसका मतलब है वहाँ पे मैं चारकोल की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, और कुछ कुछ जगह में थोड़ा सा ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा लाइट शेड देना है तो मैं वहाँ पे 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, और कुछ कुछ जगह पे मुझे बहुत ज़्यादा लाइट शेड देना है तो मैं वहाँ पे नॉर्मल अपनी 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। और फिर जो जो मैं कर रही हूँ उसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी, और आप देखते रहिए कि फिर मैं किस तरीके से कर रही हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा। और फाइनली जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे वाओ कितना अच्छा लग रहा है। तो बस आप ध्यान दीजिए कि मैं कैसे कर रही हूँ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और देखते रहे पूरी वीडियो इस गाने के साथ।
अब आते हैं लिप। तो लिप में फिल करने के लिए, उसमें शेड करने के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। और जो आप देख रहे हैं लिप के बीच में एक लाइन ड्रॉ हो रखी है, उसको उसमें शेड करने के लिए मैं चारकोल की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। और फिर उसको करने के बाद जो आपको दिख रहा है टीथ में, टीथ जहाँ मैंने ड्रॉ की है तो वहाँ पर आपको लाइट लाइट लाइन दिख रही है, तो उसको ज़्यादा डार्क शेड देने के लिए मैं चारकोल की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद जो मैंने शेड किया था लिप के ऊपर, उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद मुझे लिप में कुछ डार्कर शेड देने हैं, तो मैंने वहाँ पे चारकोल की पेंसिल से डार्कर शेड दिए और उसके बाद उसे ब्लेंड कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि मैंने उसे ब्लेंड करने के बाद मुझे, और फिर मुझे थोड़े से हाईलाइट करना है, तो मैं वहाँ पर क्या कर रही हूँ, रेज़र की हेल्प से उसे अच्छे से हाईलाइट दे रही हूँ। और उसके बाद फिर जो जगह जहाँ पे मुझे ब्लेंड करना है, तो मैं वहाँ पे उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद मैंने, मुझे थोड़ा सा और कहीं ज़्यादा डार्कर शेड देना है लिप में, तो मैं चारकोल की पेंसिल फिर से यूज़ कर रही हूँ। आप आते हैं नीचे वाले लिप में। तो नीचे वाले लिप के जो लाइन है उसमें, उसको ड्रॉ करने के लिए मैं चारकोल की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद उसको बीच में आप देख रहे हैं, मैं ये जो बना रही हूँ इसमें, इसको भी ड्रॉ करने के लिए मैं चारकोल की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। फिर उसको फिल करने के लिए, पूरे लिप में लिप को फिल करने के लिए मैं चारकोल की पेंसिल ही यूज़ कर रही हूँ, लाइट लाइट शेड करके। और उसके बाद मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये जो लिप है वो कितना अच्छा लुक दे रहा है, और हाईलाइट देने के लिए मैं इरेजर की हेल्प ले रही हूँ।